अस्सलाम वालेकुम। CS602 कंप्यूटर ग्राफिक्स। लास्ट टाइम बहुत सारा प्यार मिला आपकी तरफ से, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया चैनल को, वीडियो लाइक की। इस दफ़ा भी आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिन लोगों ने लास्ट टाइम नहीं किया था। और इसीलिए काफ़ी सारी मेहनत पुट की है कि आपको बना के दूँ, लेकिन इसमें कुछ मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं कि ये स्क्रीनशॉट लगाना है या नहीं लगाना। आई डोंट थिंक सो, उसने कहा राइट अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लिखना है, अगर तो प्रोग्राम लिखना है तो देन तो आसान है, अदरवाइज़ तो ये बहुत मुश्किल है कि आप लोग इसको कर सकें। इसके लिए आपके LMS में इसकी फाइल्स पड़ी हैं, इसको कैसे डाउनलोड करना है, OpenGL की लाइब्रेरीज को कैसे प्लेस करना है, और जो इन्होंने दी हुई हैं कि ये वाली यूज़ करें तो ये विजुअल स्टूडियो के अंदर यूज़ करनी है, तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये बनाया है BC इस तरह का, आप डिफरेंट तरह का बना सकते हैं। दिस वन इज़ आल्सो अ विंडो, तो इसको भी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कोई भी कलर हो जाए, और ये चीज़ यहाँ पे फर्स्ट विंडो, तो इसको रन करने के लिए काफ़ी सारी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती हैं, वो सही प्लेसमेंट हो, 64 विंडो का इशू। तो मेरे ख़्याल से तो MS वर्ड की फ़ाइल भेजनी है, तो कोड आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख दें, मैं तो यही कहूँगा। विंडो शोइंग इन द बिलो, यू राइट प्रोग्राम यूजिंग OpenGL। तो एक आपने प्रोग्राम लिखना है, कोड करना है, और उस कोड को आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे रन करना है, क्या क्या है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डॉक फॉर्मेट में, तो कोड ही लिखना है रादर देन स्क्रीन सेंड करनी है। यू कैन फिल द विंडो एरिया विद एनी कलर। तो राइट अ प्रोग्राम यूजिंग OpenGL टू क्रिएट अ विंडो एज शोन इन द बिलो इमेज। तो टाइटल ऑफ द विंडो शुड बी योर स्टूडेंट ID एंड योर नेम। तो आपने यहाँ पे कोड प्लेस करना है, इस जगह पे आपने कोड लिखना है एज अ सोल्यूशन, और जो थोड़े से चीते हैं वो बना लें भाई। और मैं बता देता हूँ तरीका आपको, आपने अपने चले जाना है उधर LMS में, वहाँ से इसकी लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी की हुई हैं, ये गल्ट की है, ये वाली GLUT, और ये वाली इसके अंदर यहाँ पे ये इंक्लूड, इंक्लूड के अंदर GL, ये सारी की सारी आपने उठानी है। और एक ये जो तरीकाकार है, इसको सबको उठा के ले जाना है आपने अपनी सी ड्राइव के अंदर, जहाँ पे आपका डेव इंस्टॉल है। डेव इंस्टॉल के अंदर आपने जाना है, वहाँ पे min GW64, फिर इसके अंदर जाना है, और फिर ये इंक्लूड के अंदर जाना है, और यहाँ पे GL के अंदर जाना है, और यहाँ पे ये प्लेस करवानी है। जब ये प्लेस हो जाएंगी तो कॉपी पेस्ट कर देना, फिर ये जो इसी के अंदर ही है x86 64, इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर आपने आके कुछ लाइब्रेरीज ऐड करनी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने की हुई हैं। तो ये आपको डाउनलोड करनी है, ये मैंने LMS से ही डाउनलोड की हैं। तो ये जनाबे वाला ये लाइब्रेरीज़ हैं, इन लाइब्रेरीज़ को आपने पिक करना है और जाके सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, डेव के अंदर, और min GW के अंदर, और x86 के अंदर, और फिर lib के अंदर यहाँ पे आके प्लेस करवाना है। जब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे देन नियर अबाउट आप रन के काबिल हो जाएंगे। और फिर ये अनदर, ये एक गलत 32 है। अब मेरी विंडो 64 बिट है, तो और मैंने ऊपर से 32 बिट डेव इंस्टॉल किया हुआ है, तो देर इज़ अ हेल ऑफ इश्यूज़ कि आप इसको सॉर्ट आउट करें कि ये कैसे करना है, इसको सिस्टम 32 में रखना है या किस में रखना है। तो आप भाई OpenGL में प्रोग्राम रन करने का तरीका देखें कि कैसे डेव के अंदर रन करते हैं, या कोड ब्लॉक के अंदर कैसे रन करते हैं, या फिर विजुअल स्टूडियो के अंदर कैसे रन करते हैं। काफ़ी कुछ है। एट द एंड ऑफ द डे
आपने सीधा सीधा कोड प्लेस करना है इसके अंदर, तो मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि आप यहाँ से कोड जो आपको मैं दिखाऊं वो आप यहाँ पे आके लिख दें, कोड ही। लास्ट टाइम दोनों में 20-20 मार्क्स आए हैं, तो आपने कोड ही पेस्ट किया था रादर देन स्क्रीन डिस्प्ले की थी। तो यहाँ पे कोड लिखना है तो आप कोड प्लेस कर दें, वो कोड चल जाएगा। वो कोड मैं आपको दिखा दूँ कि वो आपके हैंड आउट्स में भी है। ये वो तरीकाकार है जी, कैसे ऐड करते हैं गलत लाइब्रेरीज। आप अगर आपने डेव सी प्लस प्लस ये आपके LMS में पढ़ा हुआ है, मैं असल में दिखाना चाह रहा था CS602 के हैंड आउट्स में। अगर आप देखें तो आपको ये कोड मिल जाएगा, ये जो ओपन जीएल मैं आपको दिखा दूँ, ओपन जीएल, तो ये 311 के ऊपर है ओपन जीएल। एक सेकेंड मैं आपको ले जाऊँ, ओपन जीएल, ये एडवांटेजेस लाइब्रेरीज हैं और यहाँ पे नहीं है, ये 300+ पेज के ऊपर है, 311। यहाँ पे एक सेकेंड मुझे दे दें और कोड दिखा दूँ कि आप ये वाला कोड नहीं, यस ये वाला कोड, ये कोड है जी 315 पेज के ऊपर है, 315। आपने कोड पता कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से जी लेक्चर नंबर 34, ये वो कोड है आपको जो कहा हुआ है, इसको आप पूरे को लिख सकते हैं। और इसमें आके आपने जहाँ पे अपनी आईडी शो करनी है वो ये एरिया है, ये जहाँ पे DEFFORM लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है। इस पॉइंट के ऊपर आपने अपनी आईडी लिख देनी है, नाम लिख देना है बस। आपने अगर किसी से असाइनमेंट डिफरेंट करनी है तो 640 की जगह पर 340 लिख दें, 200x200 लिख दें, तो जो आपने लिखना है। लेकिन मैं आपको बाद में अपना कोड भी दिखा देता हूँ जो मैंने ये लिखा हुआ है, कि उन्होंने कहा कोई भी कलर हो जाए, मैंने ब्लैक किया, ये आईडी लिखी हुई है, और उसके बाद ये मैंने कलर्ड किया हुआ है रेड विद एक्वा, इसके साथ थोड़ा सा कलर मिक्स किया हुआ है ब्लूश, तो ये स्क्रीन बन जाएगी। आपने इस जगह पे ना फर्स्ट विंडो वाली जगह पे आपने लिखना है, फर्स्ट विंडो की जगह पे आपने इस अपनी आईडी और ये चीज़ लिखनी है। मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ और मैं आपको कोड पे लेके जा रहा हूँ। कोड जो है वो आपने ये वाला कोड है इसका, इंक्लूड विंडोज डॉट एच, ये सारा आपने इसी तरह ही लिख लेना है, ड्रा, और ये सारा ड्रॉ का एक फंक्शन है, एक इनिशियलाइज, इनिशियलाइज की जगह पे आप इनट लिख सकते हैं, फिर एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने आईडी लिखी है वो कौन सी जगह है, गल्ट क्रिएट विंडो, और इसमें तो ये टाइटल बार के ऊपर नाम आ जाएगा। और अगर आपने कलर चेंज करने का बहुत शौकीन है ना, तो आप यहाँ पे 255, ये रेड कलर के लिए है, और ये 25% ब्लूश के लिए ऐड किया था, तो आप इसको थोड़ा कर सकते हैं, या ज़ीरो कर दें तो पूरा रेड शो हो जाएगा। अगर आप ग्रीन लेके आना चाहते हैं तो रेड ग्रीन ब्लू, और ये अल्फा कलर है, ये उसको ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर सकता है मिक्सचर, तो ये 0.1 0.2 फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यूज़ होती हैं इसकी। आप यहाँ पे इसको 0.00 0.00 लिख दें, इसको फुल कर दें, तो यहाँ पे आपका ग्रीन आने लग जाएगा। तो ये वो सारे कलर्स के, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लें, इस फंक्शन को लिख के आप नेट पे सर्च भी कर लें तो आपको मिल जाएगा। विंडो का साइज़ मैंने 650x350 रखा, और उसकी पोजीशन जो थी वो 200x200, तो आप इसको 0x0 भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर के और टॉप कॉर्नर पे मूव कर जाएगा। मतलब ये करूँ तो
ज़ीरो बाय ज़ीरो पे ये लेफ़्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर शो हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, साइज़ को कम ज़्यादा कर लें, डिफरेंस करना है किसी से तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये कोड आपने एमएस वर्ड के अंदर लिखना है। यहाँ तक तो एक क्वेश्चन हुआ है आपका, तो सेकंड क्वेश्चन, और ये कोड आपको कहीं से भी मिल सकता है, नेट पे आप ले लें। जस्ट आपको यहाँ पे ये चेंज करना है, तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए। बाकी आप राइट अ बेसिक प्रोग्राम टू क्रिएट अ विंडो इन द ओपन जीएल, तो वो आप लिख के सर्च करेंगे तो बस आपको क्रिएट विंडो में आपने ये कर देना है तो आपका हो जाएगा। और बात रहेगी सेकेंड वन कि सेकेंड वन आपको चाहिए, ये देखिए मैंने कितनी चीज़ें, ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये एक मैंने ओपन जी एल ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन टू, तो यहाँ पे ये पूरा कोड पड़ा है। आप यहाँ से उठा लें, इसको सेम कॉपी पेस्ट कर दें, कुछ भी नहीं इशू। थोड़ा बहुत चेंज करना है तो कर लें, इसके कमेंट्स हटा दें, ये ज़्यादा ही कलरिंग की हुई है। तो आप यहाँ नेट से कोई भी एक विंडो ले सकते हैं, उसका कोड ये बेसिक प्रोग्राम का है, बस ये कलर ज़्यादा है, इसके मैट्रिक्स बनाए हुए हैं, इनको ख़त्म कर दें। मेरा ख्याल है ये जी एल बिगन ख़त्म कर दें और बाकी कोड आप वैसे ही लिख दें तो आपका प्रोग्राम फिर भी सही हो जाएगा। मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ख़त्म कर दें और ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ये बफर वगैरह के लिए था, ये लाइब्रेरीज अगर किसी ने ऐड करनी है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स बफर, व्हाट इज़ बफर ऑब्जेक्ट्स, तो मैं आपको बफर जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे लेके जा रहा हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको समझा दूँ कि वो कैसे लिखना है। यहाँ पे आपने इसका कोड लिख देना है, बाकी प्रोग्राम सी प्लस प्लस में बेशक रन ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, क्वेश्चन नंबर टू, ये 5 नंबर का है, इसमें आपने बफर्स के नाम लिखने हैं। व्हाट आर द ओपन जी एल बफर्स एंड हाउ कैन यू क्रिएट एंड एलोकेट दिस बफर्स, उन्हें कैसे बनाते हैं और उनको क्या, तो इस तरह आपने इसको लिख देना है। तो ओनली राइट द स्टेटमेंट टू क्रिएशन एंड एलोकेशन, नो नीड टू राइट द कम्प्लीट कोड। तो आपने सिंपल 5 4 5 हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है फ्रेम बफर, और उसके बाद है एक रेंडर बफर, बफर ऑब्जेक्ट्स, उसमें मैट्रिक्स और पिक्सल है, एक टेक्सचर का बफर है। तो ये बफर्स हैं, ये आप इनके थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख दें। ये मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च किया था, व्हाट आर द एग्जैक्टली इज़ अ बफर इन ओपन जी एल एंड हाउ कैन आई यूज़ मल्टीपल वंस टू टू माई एडवांटेजेस। तो ये ओपन जी एल डज नो मल्टीपल काइंड ऑफ बफर, तो ये बफर्स हैं, इनके बारे में एक वेबसाइट है KHRONOS, इसके ऊपर मैंने बारी बारी ये सारे सर्च किए हैं। फ्रेम ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर आके मैंने यहाँ पे ये इस चीज़ से वो क्रिएट होता है, जेल जेन फ्रेम बफर, इससे क्रिएट होता है और इससे डिलीट होता है, तो बाइंड करना है तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो आप दोनों तीनों डिलीट ना लिखें, बाइंड वाला लिख दें और ये जेन जिसमें आता है ये लिख दें। इस पे क्लिक करेंगे आपको अगले पेज पे ले जाएगा और वहाँ पे इस फंक्शन की सारी डिटेल लिखी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में उसकी एग्जांपल देना चाहते हैं तो वो भी दे दें, तो ये डिस्क्रिप्शन है, आप इसको उठा लें और उसके बाद ये फंक्शन की डेफिनेशन है तो ये लिख दें। इस तरह मैं तो ये मशवरा दे सकता हूँ आपको। सेकेंड वन जो था वो था टेक्सचर, टेक्सचर के रिलेटेड यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है टेक्सचर ऑब्जेक्ट, तो मैं फिर अगेन पकड़ूंगा जेल जेन टेक्सचर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और जेल बाइंड टेक्सचर, ये दोनों लिख लें और इसके थ्रू इनका प्रोग्राम आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें और साथ में ये फंक्शन के कॉपी पेस्ट कर दें। वहाँ पे 4 5 हैं, रेंडर बफर है ये देखें, ये लिखा हुआ है क्रिएशन, क्रिएशन कैसे होती है, कैसे वो क्रिएट करता है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन के लिए वो जेल जेन रेंडर बफर ये यूज़ करता है, इनके थ्रू वो ये यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। इसको आपने यहाँ से वाइड पिक करें और इसका ये सारा लिख दें। नेक्स्ट वन, इसकी थोड़ी बहुत एग्जाम्पल देनी है तो वो एग्जाम्पल साथ में दे दें। और मैं तो यही बार बार आपको कहूँगा कि ये जितने भी हैं इनको सर्च कर लें और फिर उनके मुताबिक आप उनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस लिख दें। बहुत सारे हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं, व्हाट आर द बफर ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द मल्टीपल बफर्स, ये देखो
वो कह रहा है कि इनकी दो टाइप्स होती हैं, बफर ऑब्जेक्ट, रेंडर टेक्सचर, क्यूरी ऑब्जेक्ट, कंटेनर। तो आप फ्रेम बफर, मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्म, प्रोग्राम, पाइपलाइन। फिर वो बफर को बताने लग गया, फिर उसके अंदर जी एल अरे बफर। तो आप इन सब को बेशक कॉपी कर दो, टेक्सचर, पिक्सल। मैं तो ये कहूँगा कि देर आर डिफरेंट बाइंडिंग पॉइंट्स, तो ये बाइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो इन व्हाट आर द बफर ऑब्जेक्ट्स इन ओप, तो इनको आप सर्च कर लो। सर्च करके आप इनके ऊपर कुरा से, कुरा वेबसाइट से ये सारे उठा लो और इनको बारी बारी अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो आई होप सो आपका काम चल जाएगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई और मेरी एफर्ट पसंद आई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।